है भोपाल से खबर, जहां नरोत्तम मिश्रा ने विवेक तनखा से सवाल पूछा है। कहा है कि आरक्षण जीरो कराने के बाद कांग्रेस अदालत क्यों नहीं गई, विवेक तनखा अदालत क्यों नहीं पहुंचे, ओबीसी आरक्षण के लिए दोबारा सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार गई है, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर फिर से अपील क्यों नहीं की। ये बात गृह मंत्री ने विवेक तनखा पर तंज कसते हुए कही। साथ ही नरोत्तम ने राहुल और कमलनाथ पर भी निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस का तंत्र सिर्फ सवाल उठाना है, न्यायालय पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, भारत के सम्मान पर कांग्रेस चोट पहुंचाती है। विवेक तनखा जी, पहले ये बताएं कि उनने आरक्षण जीरो क्यों करवाया था, अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे, तो इसका पहले जवाब दें कि जीरो करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए। वो तो बहुत बड़े लॉयर है ना। जब कोर्ट ने जीरो कर दिया था पिछड़ों का आरक्षण, वो न्यायालय गए थे, फिर वो अपील में क्यों नहीं गए कि इनको आरक्षण दो भाई। फिर अपील में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गई ना, और जिसके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना पिछड़ों के चुनाव नहीं होने देंगे, और होने भी नहीं दिए। भारत के सम्मान पर जहां भी चोट पहनती है, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक वही करते हैं। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी से, भारत की सेना पर सवाल उठाने वाले, वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले, न्यायालय पर सवाल उठाने वाले, ये पूरा कांग्रेस का तंत्र ही ऐसा है। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, अपना पक्ष रखेंगे, वहीं बीजेपी प्रवक्ता सनवर पटेल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। नमस्कार यादव जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा करूंगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद सरकार की ओर से ये बात सामने आई थी कि अब ओबीसी के लिए एक बार फिर सरकार कोर्ट जाएगी और मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन दायर की जाएगी। अब गृह मंत्री का सवाल ये है कि पहले ओबीसी आरक्षण के बिना इलेक्शन हो रहे थे, अब आरक्षण के साथ इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की ओर से एक बार भी कोई बात सामने ही नहीं आई, कांग्रेस दोबारा कोर्ट क्यों नहीं गई? देखिए शुभांगी जी, मध्य प्रदेश में 1995 से लेके अभी तक 5 बार लगातार पंचायत और नगरी निकाय चुनाव पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ हुए, और 1995 में कांग्रेस की सरकार ने ही पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू किया था, जो 25 साल तक चलता रहा। मध्य प्रदेश में जो हालात बने वो भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है, ये उनकी सोची समझी साजिश थी पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाने की। कांग्रेस सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ पंचायत नगरी निकाय का परिसीमन किया गया था, उसको नोटिफाइड किया गया था, सरकार द्वारा उस नोटिफिकेशन को रद्द करवाया गया, उसके बाद ये स्थिति बनी। और न्यायालय में स्पष्ट है कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सही समय पर सरकार द्वारा पेश नहीं गई की गई। न्यायालय ने अपने जजमेंट में 10 मई को लिखा कि सरकार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट देने में असफल हुई है, इसलिए आरक्षण समाप्त किया जा रहा था। और रिव्यू पिटीशन में कांग्रेस के जाने की ये हास्यास्पद बात है, जब सरकार इस मामले में पार्टी थी तो सरकार ही तो अपील कर सकती है, जब कांग्रेस पार्टी कोई पक्षकार नहीं थी तो कैसे अपील कर सकती है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दावे तो करती है कि वो ओबीसी के हित में हमेशा कार्य करते आई है, ओबीसी के लिए आवाज बनेगी कांग्रेस। ओबीसी के लिए आवाज बनने की बात नहीं है शुभांगी जी, आज तक मध्य प्रदेश विधानसभा में 14 से लेकर 27% तक जितनी बार भी कानून पास हुए, सभी कानून केवल और केवल कांग्रेस सरकारों ने पास किए हैं। भाजपा की किसी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आज तक कोई कानून पास नहीं किया, और भाजपा की सरकारों में हमेशा न्यायालय में ओबीसी के अधिकारों पर चोट पहुंचाएगी। और आज भी धोखा हुआ है, ओबीसी को पहले से मिल रहा अधिकार कम हो गया है इस जजमेंट के बाद। हेलो जी, सनवर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप अपनी बात कहिए जी। देखिए बहुत ही सही बात कही है, बहुत ही अच्छा बयान आया है माननीय नरोत्तम जी का, उन्होंने बिल्कुल सटीक कहा है। 10 मई को सुबह 10:50 पर जब ये निर्णय आया तो बाहें खिल गई कांग्रेस की कि अरे हमको तो अब घेरने का मौका मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, हम भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे और पूरे प्रदेश में बताएंगे कि ओबीसी के आरक्षण की विरोध में भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन देखिए लगातार 10 मई को मैं बंसल पर बैठा था, इसके अलावा कोई और
शिवांगी जी, मैं आपकी पहली भेज और पहले मुद्दे पर बंसल पर लाइव था जब ये निर्णय आया 10:50 तब से मैं लगातार पूछ रहा हूँ। 22 में स्पष्ट लिखा है कि सरकार लगातार रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पा रही है, इसलिए बिना आरक्षण के निर्वाचन करवाए जाएं। अजय जी, अजय जी, मैं आपको आपके पास आऊंगी, मौका दूंगी जी। पटेल जी, मैं 10 मई को जब ये निर्णय आया, मैं बंसल पर लाइव था जब ये निर्णय आया, मैं तब से लगातार पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसी भारतीय जनता पार्टी मोटिवेशन ऑफ ऑर्डर पर क्या कांग्रेस गायत्री क्या कांग्रेस के विवेक तनखा जी इसका समर्थन करेंगे, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जफर साहब जिन्होंने चलते अजय जी आप बात नहीं सुनने दे रहे हैं। देखिए अजय जी, आपने समय लिया था, पटेल जी को जवाब देने दीजिए। आपने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं करी थी समय पर, जब न्यायालय ने आपसे दिसंबर में मांगी थी, 4 महीने का डेडलाइन दिया था ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट की। अजय जी अब जवाब तो देने दीजिए आप, अजय जी जवाब तो देने दीजिए आप। पटेल जी झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो। अजय भाई झूठ सच तो सामने है, अजय भाई पूछ रहा हूँ, बता दीजिए उस जजमेंट के कौन से क्लॉज में कोई पॉइंट लिखा है जो कांग्रेस की सरकार से संबंधित हो। आप अजय जी, अजय जी मैं आपके पास आई थी, आपने जवाब दिया था, पटेल जी को मौका तो दीजिए आप जवाब देने का। तथ्य नहीं रखे जा सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए उस निर्णय में। झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। चलिए मेरे को फिर इस चर्चा को यही खत्म करना होगा। अजय जी आप पटेल जी को बोले नहीं दे रहे हैं। पटेल जी अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, मैं तथ्यों पे पूछ रहा हूं। आप बातचीत तो करनी दीजिए, आप अनर्गल पहले ही बोल रहे हैं। गलती बता दीजिए उस जजमेंट में कहां लिखा हुआ है कांग्रेस की कोई गलती, बताइए। पटेल जी आप अपना जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, जिस दिन से निर्णय आया है कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, मैं लगातार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण लगातार इनसे पूछते आए हैं कि अब आपकी क्या पोजीशन रहेगी, हम मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, क्या आप साथ चलेंगे, क्या विवेक तनखा जी या जफर सैयद साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या जया ठाकुर जी चलेंगे। लेकिन इन्होंने हमने कहा अच्छा जी आप बात ही नहीं कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बता दें कि ओबीसी आरक्षण से निकाय चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने वाला है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री ने विवेक तनखा से सवाल किया है कि कांग्रेस एक बार फिर ओबीसी का पक्ष लेकर न्यायालय क्यों नहीं पहुंची।